देश की नामी कंपनी सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात प्लांट में नौकरी के लिए युवाओं की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आईटीआई प्रबंधन ने तैयारियां की थी। कोविड गाइडलाइन के चलते आईटीआई प्रबंधन ने साक्षात्कार के दौरान जरूरी हिदायतों का पालन भी किया। इसके तहत रोजगार मेले में पहुंचने वाले हर अभ्यर्थी के सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए। इसके अलावा बिना मास्क किसी को भी रोजगार मेले में प्रवेश नहीं होने दिया गया। कंपनी के एचआर मानविंद सिंह राघव और जॉब प्लेसमेंट अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि चयनित युवा कंपनी के गुजरात प्लांट में सेवाएं देंगे। साक्षात्कार में फिटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल डीजल मैकेनिक व्यवसायों से संबंधित 45 युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 33 युवाओं को चयनित किया गया। चयनित युवाओं को 20,100 रुपए का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही सेफ्टी शूज, यूनिफॉर्म, कैंटीन की सुविधा भी दी जाएगी। आईटीआई बताल के प्राचार्य तारा चंद धीमान ने चयनित युवाओं को बधाई दी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम मानविंद सिंह राघव, सुजुकी मोटर गुजरात से एग्जीक्यूटिव एचआर हूँ। यहाँ पे आया हूँ आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई बताल में। आज इंटरव्यू हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे। जो स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट किए हैं उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, कंपनी में ले जाने के लिए बस भी आएगी यहाँ पे। आज दिनांक 8 मार्च 2022 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बत्याल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों के 45 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें 33 अभ्यर्थी गुजरात की मारुति सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिखित परीक्षा द्वारा सिलेक्ट किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा 20,100 रुपये प्रतिमाह देगी और साथ में हॉस्टल सुविधा, पीएफ और जीपीएफ, सीपीएफ वगैरह उसको दे, ईएसआई सब प्रोवाइड करेगी। इसी मौके पर प्रवीण कुमार सुमंदी भी मौजूद रहे तथा अन्य स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद रहे और कंपनी द्वारा एचआर द्वारा इनका हमें लिस्ट भी सिलेक्शन लिस्ट भी हमें प्राप्त कर दी गई है। इसके लिए हम कंपनी का भी धन्यवाद करते हैं कि बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को भी रोजगार दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भांबला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।